वैसे साथियों, आज एक और संयोग जुड़ा हुआ है। शायद कई लोगों के लिए जानकारी सुखद आश्चर्य होगा। देखिए, हमारे पूर्वज भी कितनी लंबी सोच रखते थे, कितने दूर का सोचते थे। आजकल कभी कभी नई पीढ़ी की सोच वाले लोग पुराना सब निकम्मा है, बेकार, ऐसी बातें करते हैं ना। मैं एक घटना सुनाता हूं। आज से 118 साल पहले, 118 साल कोई कम समय नहीं होता है, आज से 118 साल पहले आज ही के दिन 15 दिसंबर को ही, 118 साल पहले 15 दिसंबर को अहमदाबाद में एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया था उस जमाने में। और इस एग्जीबिशन का मुख्य आकर्षण क्या था? उसका आकर्षण था भानु ताप यंत्र। भानु यानी सूर्य, यानी 118 साल पहले यहां के हमारे एंटरप्रेन्योर्स की सोच देखिए, भानु ताप यंत्र यानी सूर्य ताप यंत्र ये सबसे बड़े आकर्षण का कारण था। अने भानु ताप यंत्र यानी सूर्य की गर्मी से चलने वाला यंत्र, और एक तरह से वो सोलर कुकर की तरह उन्होंने विकसित किया था 118 साल पहले। आज 118 साल बाद, आज 15 दिसंबर को ही सूरज की गर्मी से चलने वाले इतने बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन हो किया गया है। इस पार्क में सोलर के साथ साथ पवन ऊर्जा दोनों से करीब 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। सोचिए, रेगिस्तान की कितनी बड़ी भूमि का सदुपयोग होगा। सीमा के साथ पवन चक्कियां लगने से सीमा सुरक्षित भी और अधिक बेहतर होगी। आम लोगों का बिजली का बिल कम करने के लिए जिस लक्ष्य को लेकर के देश चल रहा है, उसे भी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से किसानों और उद्योगों दोनों को बहुत बड़ा लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, इससे प्रदूषण कम होगा, हमारे पर्यावरण को भी लाभ होगा। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में जो बिजली बनेगी, वो प्रति वर्ष 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड, 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन उसको रोकने में मदद करेगी। और ये जो काम होने वाला है, अगर उसको पर्यावरण के हिसाब से देखना है, तो ये काम करीब करीब 9 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा। 9 करोड़ पेड़। ये एनर्जी पार्क भारत में पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भी कम करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। इससे करीब 1 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ कच्छ के मेरे युवाओं को होगा।